प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि कई महापुरुष इस धरती पर आए, अलग अलग समयों पर आए, अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग मुल्कों में आए, और वो सब समझाते चले गए कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना ही ज़िंदगी का मकसद है। कि जो आत्मा है, जो शरीर को जान दे रही है, ये शरीर इसलिए दिया गया है कि इसमें सब पदार्थ हैं जिसमें कि आत्मा अपने आप को जान पाए और आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो पाए। अब जब ये समझ में आना शुरू हो जाए कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सकता है, तो हमें क्या करना है ताकि वो मिलाप हमारा इस ज़िंदगी में पूरा हो और ज़िंदगी के मकसद को हम पूरा कर पाए। तो जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं, जिस जिस समय पर आए हैं, उस उसके माहौल के लिहाज से हमें समझाते चले आए हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी हालत क्या है और हमें करना क्या चाहिए। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इंसान जी कैसे रहा है। अपने आप को तो हम सब बहुत अच्छा समझते हैं, हम सोचते हैं हम सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। कोई भी इंसान नहीं जो सोचता हो, समझता हो कि वो कुछ गलत करता है। हर एक इंसान सोचता है मैं सही कर रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या वो सही है? जब तक पूरे ध्यान से अपने आप का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, तब हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और जब समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, फिर ये भी समझना ज़रूरी कि हमें करना क्या है। अगर करना ये है और कर ये रहे हैं, तो इस गैप को फिर हम बंद कर सकते हैं। जो ये कर रहे हैं इसको आस्ते आस्ते से इस ओर लेके जा सकते हैं जो हमें करना है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, समझाते चले आए हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ हम इंसानों की ज़िंदगी के बारे में कहा, ताकि हम समझें कि हम करते क्या हैं, हम ज़िंदगी जीते कैसे हैं और जीनी कैसे चाहिए। ताकि एक बार अगर समझ में आ जाए कि हम ऐसे 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 कर रहे हैं, तो फिर उसमें बदलाव लाया जा सकता है। हर एक इंसान बदल सकता है, हर एक इंसान प्रभु की ओर कदम बढ़ा सकता है, हर एक इंसान प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है, हर एक आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सकता है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा रहे हैं। ये नहीं कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना सिर्फ चंद लोगों के हिस्से में है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, उनसे एक में हो सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी उस किस्म से बनानी है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। हमें ज़िंदगी ऐसी बनानी है जिसमें कि हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए वो रास्ता इख्तियार करें जिसके ज़रिए आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो कि एक शेर में, एक वर्स में बहुत कुछ कह जाते थे, उनकी गज़लें जिनमें कई शेर होते थे, जब उनको हम समझने की कोशिश करते हैं तो जितनी बार पढ़ते हैं नई नई चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बार बार जब उनको पढ़ें तो जिस जिस स्टेज में हम होते हैं, उस किस्म की अंडरस्टैंडिंग, उस किस्म की समझ
हमें मिलनी शुरू हो जाती है कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूँ मैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्स के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी किस किस्म की है, कि हम करते क्या हैं। दिन भर संकल्प और विकल्प में लगे रहते हैं, तो सोचते हैं कि ये शरीर हमारा असली आपा है, और फिर इस शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। अपने आप के साथ सारा समय लगा देते हैं, बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ। हम इंसान इस शरीर को अपना समझते हुए उसी के बारे में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, शरीर को साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, शरीर को खुराक देते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पर चले जाते हैं, क्योंकि मालूम है काम करेंगे तभी कुछ पैसे मिलेंगे, तभी ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, कुछ जो चीज़ें लगता है शरीर के लिए चाहिए वो लेंगे, कोई मकान लेंगे। तो शरीर के लिए ही सारा दिन लगे रहते हैं। शाम को आते हैं, सोते हैं, बड़ा थक गए काम करके, तो शरीर को आराम चाहिए, तो इंसान सोता है। तो शरीर के लिए ही हम सब कुछ करते रहते हैं, कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं। जो कुछ कर रहे हैं सब इस शरीर के लिए कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं कि ध्यान अपना ये बाहर की चीज़ों में लगा रहे हैं। बातें करना, इंसान जब भी अपने आप बैठता है तो क्या करता है, मन ही मन कुछ ना कुछ ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, बातें कर ही जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि समय हमारा बातों में निकली जा रहा है, समय हमारा सोच विचारों में बर्बाद हो रहा है, समय हमारा उस तरफ लग रहा है जहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मन विचारों के ज़रिए अपने आप से बातें करना मतलब विचारों में डूब जाना। मन हमें उन विचारों में लगा देता है, ताकि वो समय जो बड़ा कीमती था, वो समय जिसमें हम प्रभु की ओर कदम बढ़ा सकते थे, वो हमारा बर्बाद हो गया। तो हम सब ऐसे ही जी रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि आत्मा के तीन स्टेजेस हैं। एक बाहर आत्मा, वो आत्मा जो बाहर की ओर ध्यान दे रही है, वो आत्मा जिसका ध्यान दुनिया की चीज़ों में है, वो आत्मा जो इंद्रियों के घाट पर जीती हुई, अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी अटेंशन बाहर की चीज़ों में दे रही है। एक अंतर आत्मा, जिसमें आत्मा का ध्यान बाहर नहीं अंदर की दुनिया में है। हमारे भीतर पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है। अंतर आत्मा वो है जो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में देती है, ताकि वो प्रभु की नज़दीकी पाए, प्रभु की खुशी पाए, प्रभु का अनुभव करे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाए। और फिर वो आत्मा जब अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ती है, तो वो फिर परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है और खुद परमात्मा बन जाती है। तो ये तीन स्टेजेस आत्मा की हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो बाहर आत्मा है, जिसमें कि हम सब लगे हुए हैं, हम सबका ध्यान बाहर की दुनिया में रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हम ये भी जान लें, वो भी जान लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, कि वो बड़ी ज़रूरी लगती हैं। उनके बगैर ये शरीर को हम कायम नहीं कर पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, कि हम इंसान अपना सारा समय सिर्फ इन चीज़ों में लगा देते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो करना क्या चाहिए कि तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूँ मैं।
कह रहे हैं कि जो जो शांत अवस्था है जिसमें हमने जाना है उसको हम धोखा दी जा रहे हैं। जो तन्हाई है, तन्हाई मतलब शांत होना, एकांत में बैठना, एकता की अवस्था में होना, उसको हम धोखा दे रहे हैं। हम क्या द्वैत की ज़िंदगी जी रहे हैं? इस दुनिया में हम सोचते हैं हम हैं, कोई और है। और जब हम हैं और कोई और है, तो फिर अंदर यही ख्याल आता है कि हम उनसे बेहतर हों, हम उनसे अच्छे हों, हम उनसे बड़े हों, हम उनसे ज़्यादा समझदार हों, हमसे ज़्यादा सियाने हों, हम उनसे ज़्यादा अमीर हों, हमारी नॉलेज उनसे ज़्यादा हों। उस द्वैत की ज़िंदगी में हम फंसे हुए हैं। और जो एकांत की अवस्था है, जो एक होने की अवस्था, उसको हम धोखा दिए जा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम किस अवस्था को पाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, कि हम यहाँ बाहर की दुनिया में अपना ध्यान देने के लिए नहीं भेजे गए, हम यहाँ अंदर की दुनिया में ध्यान देने के लिए भेजे गए हैं। हमें अपना ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं लगाना, हमें एकांत अवस्था में पहुँचना, हमें एकता की अवस्था चाहिए। हम प्रभु से एक में एक हो सकते हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और प्रभु से एक होने का रास्ता शांत अवस्था में जाने का रास्ता है, जिसमें शरीर शांत हो और मन शांत हो। जब तक शरीर शांत नहीं होगा, उसका मतलब जब तक बाहर की हलचल हटेगी नहीं, जब तक हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में लाएंगे नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं सकते। इसीलिए जब अभ्यास करने को कहा जाता है, तो कहा जाता है कि जो बाहर की एनवायरनमेंट है वो शांत हो, ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, क्योंकि शोरगुल होगा तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा। और जो बाकी इंद्रियां हैं उनके ज़रिए जो ध्यान बाहर जाता है, उनको भी अंदर की ओर किया जाए। चाहे हम हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर बैठें, देखें शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, ताकि स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खींचें। जब हम अभ्यास करेंगे, खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्रिय अंदर को खींची जाएगी। सारी सृष्टि जो प्रभु ने रची है वो सारी बहुत अच्छी है, कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। कुछ एटमॉस्फेयर को बदलने की ज़रूरत नहीं कि अगर बत्तियां जलाएं या सेंटर करें कि भाई अब ये स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ताकि जो सूंघने की इंद्रिय है वो भी अंदर की ओर खींचे, और फिर आंखें बंद करें तो देखने की इंद्रिय भी अंदर की ओर खींचे, ताकि ध्यान बाहर से हटके अंदर की ओर बढ़े। और जब बाहर की शांति होगी, शरीर शांत होगा, तो फिर मन को शांत करना होगा। Thank you.